हेलो एवरीवन, आई एम मंजू शर्मा। तो पिछले वीडियोस में हमने कवर किए थे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, जिसमें से कुछ को हमने एक्सप्लेन कर लिया था, कुछ अभी बचे थे। तो अब इस वीडियो में हम वही सारे मेथड्स एक्सप्लेन करेंगे। तो जो मेथड्स हैं वो हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेडिमेंटेशन क्या होता है। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जब हम किसी मिक्सचर में पानी को ऐड करते हैं तो उसका जो हैवियर कंपोनेंट होता है वो नीचे सेटल हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जैसे इस गिलास में राइस है, अब हम जब इसमें ये वाटर ऐड करेंगे तो जो राइस है वो नीचे सेटल रहेगा, ये फ्लोट नहीं करेगा पानी में। तो ये जो प्रोसेस हुई, ये प्रोसेस होती है सेडिमेंटेशन की। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है, जब हम इसी में से पानी को निकालेंगे तो इसके साथ डस्ट पार्टिकल्स भी बाहर निकल जाएंगे, मतलब कि ये साफ़ हो जाएगा, इसके में जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो बाहर आ जाएंगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। जैसे इसमें हमने वाटर ऐड किया था, अब हम इस ग्लास में से इस वाटर को जब निकालेंगे तो इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सारी इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगी वाटर के साथ। तो ये जो प्रोसेस हुई, ये प्रोसेस हुई डिकेंटेशन की। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, जब हम किसी मिक्सचर को फिल्टर के थ्रू ट्रांसफ़र कराते हैं या फिर पास कराते हैं तो उसमें से फ्लूइड कंपोनेंट और जो सॉलिड कंपोनेंट होता है वो अलग अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। जैसे कि हमने इस ग्लास में जो वाटर था वो निकाला और उसके साथ ये डस्ट पार्टिकल थोड़े बहुत निकल आए। अब जब हम इसे किसी फिल्टर के थ्रू पास कराएंगे तो इसके जो ऊपर में जो सॉलिड पार्टिकल होगा वो अलग हो जाएगा और जो लिक्विड पार्ट होगा वो अलग हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो प्रोसेस तो उस प्रोसेस में जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन से हमें किस सब्सटेंस को हम अलग कर सकते हैं, जैसे कि हम सॉल्ट को अलग कर सकते हैं वाटर में से इवेपोरेट करा के। जब हम पानी को उबालेंगे तो वाटर जो होगा वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब कि वेपर्स में कन्वर्ट होके उड़ जाएगा, लेकिन जो उसमें सॉल्ट होगा वो सॉल्ट उसके बर्तन की तली पर जम जाएगा। तो इससे हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं कि नमक को पानी से सेपरेट करने के लिए हम इवेपोरेशन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जब हम वाटर वेपर्स को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में। अभी हमने इवेपोरेशन पढ़ा, उसमें क्या था, हम वाटर को लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। कंडेंसेशन क्या है, उसका एकदम से अपोजिट है। इसमें हम वाटर वेपर्स को लिक्विड में चेंज करते हैं। तो जो ये जो प्रोसेस होती है वाटर वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करने की, इसी को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, जैसे कि इस इमेज में भी दिखाया है, यहाँ हमने केटल को गैस पे रख के इसमें पानी गर्म किया तो यहाँ से ये वेपर्स निकली। हमने प्लेट में यहाँ आइस रख रखी है जिससे कि वो तुरंत ही कूल हो जाए, वेपर जो है वो तुरंत ही कूल डाउन हो जाए। जैसे ही वो कूल डाउन होगी वो दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है वो होती है कंडेंसेशन। अब एक क्वेश्चन है कि क्या वाटर अपने अंदर किसी भी अमाउंट में कोई भी सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकता है। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अलग अलग सब्सटेंसेस की अलग अलग होती है, ऐसे ही वाटर भी अलग अलग अमाउंट में अलग अलग सॉल्युबल पार्टिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन वाटर अपने अंदर एक टाइम में एक लिमिट तक ही किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकता है। जब वाटर अपने अंदर और ज़्यादा सब्सटेंस को डिसॉल्व ना कर पाए तो उस पॉइंट पर हम बोलते हैं कि ये जो सॉल्यूशन बना है ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मतलब क्या, जब वाटर में उस सब्सटेंस का और कोई भी अमाउंट को हम डिसॉल्व ना कर पाएँ तो
तो वो जो पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट, और उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर उससे ऊपर हमें और सब्सटेंस उसमें डिसॉल्व करना है तो हमें उसे हीट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ और मेथड्स ऑफ सेपरेशन भी कंप्लीट हुए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।